इंतखाबात 2018 की तैयारियां। सिक्योरिटी के अमल का पहला रोज, मुल्तान से सिकंदर हयात बोसन, अली हैदर और खालिद जावेद वड़ाइच ने सिक्योरिटी करा ली। डीडी खान से पीपल्स पार्टी के रमजान कादर 191 के रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश हुए, जबकि सरदार दोस्त मोहम्मद कोस और मियां अब्दुलरहमान भी मुतलका आरूस के पास पहुंचे। मुल्तान के हल्के 154 और पीपी 211 से खालिद जावेद वड़ाइच के कागजात नामजदगी मंजूर। जांच पड़ताल का अमल 19 जून तक जारी रहेगा, जबकि 30 जून को हतमी फहरिस्तें आवेदन की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टें रिटर्निंग अफसरान को पहुंचना शुरू। बहावलपुर में 171 के लिए 3,60,608 वोटर्स की लिस्टें अदालती अमले को फराहम कर दी गई। मुल्तान 155 से नून लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद की तालीमी काबिलियत का मामला। तारिक रशीद का कहना है कि 2008 में बीए की शर्त पर पुराना उतरने पर कागजात नामजदगी वापस लिए। तालीमी काबिलियत का मामला गवर्नर पंजाब के जूनियर वकील ने साजिश के तहत उठाया। तारिक रशीद का कहना था कि गवर्नर पंजाब ने साजिश करके पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की, क्यादत नोटिस ले। मुजफ्फरगढ़ जमशेद दस्ते की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साबिक एमपीए मलिक कसूर करीम लंगड़ियाल, साबिक आईजी बलोचिस्तान मोहम्मद अयूब कुरैशी, एजीडीसी डॉक्टर सैफुल्ला भट्टी ने शिरकत की। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कुदूस नवाज खान समेत दीगर अफराद की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। और रहमतों और बरकतों से भरपूर माह का आखिरी अशरा, रोही की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन इफ्तार रोही के संग कामयाबी से जारी। कारिया नसीन अख्तर ने कलामी बारी ताला पेश किया। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद सईद की खसूसी शिरकत। मनीर हाशमी ने बारगाह रसालत में हथियार नाक पेश की।